राधा कहाँ रह गई? उसे गए तो बहुत देर हो गई। कहकर तो गई थी, बस नदी से पानी लेकर अभी लौटती हूँ। चलिए बलदाऊ, नदी पर जाकर देखते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि। मुनिवर, राधा यहाँ बेसुध पड़ी है, परंतु इसकी ऐसी दशा का कारण हम नहीं बूझ पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ क्या हुआ जिससे राधा बेसुध हो गई। अभी कुछ क्षण पहले ही राधा को एक जहरीले नाग ने डस लिया है, उसी विष के कारण ही राधा अपनी सुध खो चुकी है। मुनिवर, इसका कोई तो उपचार होगा। नागों के विष हरने का उपचार धरती पर तो नहीं है, सिर्फ स्वयं नाग महाराज ही विष हरण की औषधि दे सकते हैं। जहाँ नागों का वास है वहीं नागों के नरेश पद्मनाभ के वन से ये बूटी आप प्राप्त कर सकते हैं। और नागलोक में क्यों आए हो? कृपया आप अपना परिचय दें। मेरा नाम बलराम है और ये मेरा भाई कृष्ण। प्रभु आप? क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचानने में विलंब कर दिया, क्षमा कीजिए। अब और विलंब ना कीजिए नाग नरेश, सर्प विष हरण बूटी हमें जल्द से जल्द दे दीजिए, वहाँ हमारी सखी राधा विष के कारण बेसुध पड़ी है। अवश्य। काना। धन्यवाद नाग नरेश, आपके उपचार से राधा की सुध लौट आई। धन्यवाद नाग नरेश। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। आज तो इन्होंने हद कर दी, कितना समय बीत गया, हम कब से उनका इंतजार कर रहे हैं और वो हैं कि आज तो मैं उन्हें बलदाऊ, मुझे लगता है उन्हें आने में देर हो गई होगी और उन्हें आपका क्रोध भरा चेहरा दिखाई देने लगा होगा, तब तो वो बीच रास्ते से ही वापस चले गए होंगे। हाँ। काना, ये कोई हंसने की बात नहीं है, आज सचमुच उन्होंने बहुत देर कर दी। ये तो सच है बलदाऊ, न जाने आज वो कहाँ रह गए। इन लड़कों पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ भेजकर कहीं और ही अपना खेल खेलने में लग गए होंगे। देख लेना राधा, उन्हें याद भी नहीं होगी हमारी। कृष्ण राधा को कभी नहीं भूल सकता। लो आ गए। Thank you.
संभलना। पहले हमारी गायों के लिए ये छप्पर तैयार हो जाएगा। लकड़ियों की कुछ और जरूरत पड़ेगी। चल काना, हम वन से तनिक और लकड़ी ले आए। ये तो वही दानव है जो पहले भाग खड़ा हुआ था। तो मायावी शक्तियों के साथ लौटा था। हमला करो!
मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। देखो देखो मुझे छोड़ दो। अरे भागो भागो, बचाओ। कृष्णा बेटा, बलराम झुक झुक जियो बेटा। वाह, एक की जगह तीन तीन शिकार मिल गए। मनुष्यों का इतना साहस कि हमसे भिड़ रहे हैं। सिर्फ ये तीन ही नहीं, इनका पूरा गांव तबाह कर देते हैं। जल्दी जाओ उठो और गेंद ढूंढ ला, वरना कोई जानवर कहीं उसे फल समझकर चबा न जाए। उधो की आवाज है, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? देखो लगता है ये असुर जाग रहे हैं। चलो पेड़ के पीछे छिपकर देखें ये क्या करते हैं। नींद भी नहीं आ रही, और नींद आ भी जाए तो सपनों में भोजन देखकर फिर से खुल जाती है। चलो चलो चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। इनके विशाल आकार प्रकार और इनकी बातें दोनों ही विचित्र हैं। इनके पीछे जाकर देखना ही उचित होगा कि ये किस प्रकार के भोजन पकवान ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा तो ये है इन असुरों के खाने का स्रोत। बलदाऊ, ये पात्र जो इन्हें भोजन दे रहा वास्तव में देवों की संपत्ति है। कुछ समय पहले ये अक्षय पात्र देवों से चुरा लिया गया था, और फिर बहुत खोज के बाद भी इसका कोई पता नहीं चल सका। मेरा है, अभी मुझे और खीर चाहिए। मेरे पास एक उपाय है, क्या दोनों एक साथ मांग कर देते हैं, फिर देखें क्या प्रकट होता है। ये ठीक है। खीर कचौरी। हमारा पात्र लौटा दे बालक। पात्र तुम्हारा नहीं, देवों की संपत्ति है, जो मैं उन्हीं को लौटाऊंगा। छीन लो इसे। Thank you.
अरे का प्रस्ताव भेजा है। दूत, हमें तुम्हारे महाराज कंस का प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं। कृपया हमारा ये संदेश उन तक अवश्य पहुंचा दो। हमारे प्रस्ताव को ठुकराकर देवी ने हमारा घोर अपमान किया है। अब वो देवी मान सहित नहीं जबरदस्ती बंदी बनाकर यहाँ लाई जाएगी। देवी अश्वायुजा को इसी क्षण छोड़ दो। सैनिकों, आक्रमण करो, इन दोनों बालकों को बंदी बना लो। सैनिकों, गुफा के मुंह से चट्टान को हटाओ, जल्दी जल्दी करो। महाराज कंस अपनी नई रानी के लिए बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राधा, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ कमला, तुम्हें एक बेर का पेड़ दिखाई देगा, बस उसी के पास। राधा, मुझे बेर का पेड़ तो मिल गया, अब और कितनी दूर? बचाओ! बचाओ! हाँ? राधा! हमें राधा की चीखें सुनाई दी, वो ठीक तो है? कमला, बताओ क्या हुआ, राधा कहाँ है? राधा, राधा, राधा को वो उठा ले गया। कौन, कौन उठा ले गया उसे? एक राक्षस, उसके लंबे बाल थे और बड़ी बड़ी मूछें। वही रुक जाओ, अपनी खैर चाहते हो तो जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो पूरा करके ही जाएंगे। नादान बालक, और एक मौका देता हूँ, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। Yeah!
नहीं बचा सकता। राधा, कृष्ण और बलराम, लगता है यही इंद्रास्त्र है। किसी मनुष्य ने हमें देखा है। क्या तुम किसी संकट में हो? इस जल स्थल में एक राक्षस है और उसने उसने हमारा जीवन ओस चुरा लिया है। आप चिंता ना करें, हम आपका जीवन उस राक्षस के खजाने से वापस ले आएंगे। चुराने आए हो? हमें तुम्हारा खजाना नहीं, केवल वन जीवों का जीवन चाहिए। एक बार जो मोती मेरे कोष में आ गया, उसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। हम वो मोती लेकर रहेंगे। बस आक्रमण! Yeah!
आपने आज हमारे लिए जो किया है उसके बदले में नहीं, आपकी सहायता करना हमारा धर्म था। कृष्णा